जय भगवान एक्सप्रेस सर्विस अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था हमारी कांदिली मुंबई में है 40 साल से निःशुल्क निस्वार्थ सेवा मानव सेवा कर रही है। अभी हमारा कोरोना का समय है, हमारे सेंटर सभी बंद हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं। वेबिनार के 4 कोर्स हमने हो गए हैं 1000 कैपेसिटी के जूम पे, 5वां भी हमारा शुरू होने वाला है। तो हम वीडियो के जरिए आपको पॉइंट्स, एक्सरसाइज, डाइट करें, जैसा कि आप अपने परिवार को, आसपास के लोगों को, संबंधियों को पॉइंट देकर उनको राहत पहुंचाएं। हमारी संस्था के हमारे गुरुजी श्री नवनीत भाई शाह, वो भी 40 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लाखों लोगों को ट्रीटमेंट देके रोग को से ठीक कराया, ठीक किया है, उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया है। मैं दीपक सोने जी 25 साल से संस्था से जुड़ा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बीई हूँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया है। मेरा प्रोफेशन है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है। मैं भी इस साल संस्था से गुरुजी के साथ 25 साल से साथ में काम कर रहा हूँ, निःशुल्क सेवा कर दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वाटर रिटेंशन, उसका मतलब है पानी भर जाना, इंग्लिश में उसको फ्लूड बोलते हैं। हमारे ऑर्गन्स है ना, जो ऑर्गन्स में फ्लूड जमा हो जाता है, जैसा कि ब्रेन में होता है, कभी लंग्स में होता है, पेट में होता है, फ्लूड जमा हो जाता है, तो हॉस्पिटल में उसको बोलते हैं फ्लूड जमा हो गया, उनको निकालना पड़ता है। ब्रेन में जमा होता है तो सिरिंज के जरिए उसको निकाल देते हैं, और लंग्स में होता है तो गोलियां टेबलेट्स देके उनको पानी को निकाल देते हैं, फ्लूड को, और पेट में भी इसी तरह करते हैं। पर ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और उसमें सक्सेस बहुत कम होती है। तो हमारा जो प्रयोग है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत सिंपल सरल प्रयोग है। हमने 100, 200, 300 जन को हमने किया है और उसमें से बहुत का 100% रिजल्ट आई है। आपको क्या करना है, करेला, करेला जो सबको मालूम है बिटर गॉड, तो क्या करना, उसको करेले को लेके छिलटे के साथ उसको क्रश करिए और उसके 2 चम्मच छोटे टीस्पून 2 या 3 चम्मच रस निकालिए, फिर उसमें चपटी पिंच चपटी राई पाउडर, राई को क्रश करने का 2 पिंच लेके उसमें डालने के और मिक्स करके खाली पेट पी जाने का। राई मतलब मस्टर्ड कहते हैं, तो पिंच करेले के रस में 2 चपटी राई डाल के उसको पी जाने के, एक एम्प्टी स्टमक। आप 15 दिन करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे तो आपके ऑर्गन में जो फ्लूड जमा हो गया या पानी भर गया है वो पूरा निकल जाएगा, सूख जाएगा। और इसका और एक उपयोग अच्छा होता है करेले प्रयोग से, जहां से पानी निकलता है उसको लॉक कर देता है, वहां से बंद कर देता है आने का। ये बहुत इफेक्टिव प्रयोग है। मैंने भी हमारे एक पेशेंट को दिया था, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था तो पूरा ब्रेन सूज गया था, तो एक बार हॉस्पिटल में उन्होंने सिरिंज से उसका पानी निकाला, फ्लूड निकाला। फिर जब भी घर पे आया फिर से हुआ तो हमने प्रयोग दिया उनको, तो उन्होंने 20 दिन के अंदर पूरा पानी निकल गया ब्रेन से प्रयोग से, और उसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और पूरे हमारे सूजन पूरी उतर भी गई। और एक पेशेंट था, उनको लंग्स में पानी भर गया था, हार्ट पेशेंट था, तो बहुत तकलीफ होती थी, तो उसको भी एलोपैथी में कुछ राहत नहीं मिली इतनी। फिर बाद में हमारा उन्होंने प्रयोग किया तो 15 दिन में जो लंग्स में जो पानी था उसका और पूरा निकल गया, सूख गया और सब बराबर हो गया। इसी तरह बहुत इफेक्टिव प्रयोग है। आपका भी पेशेंट कोई हो या किसको पानी की वाटर रिटेंशन की तकलीफ हो, फ्लूड भर गया हो, पानी में भर गया हो किसी बॉडी के ऑर्गन में, तो ये प्रयोग बहुत इफेक्टिव है। करेले का जूस रस 2 टेबलस्पून और पिंच ऑफ राई पाउडर। जय भगवान।